तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपके हवान फिर से आ गया आपके सामने एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर। तो आज मैं जो गाना आपके सामने लेके आया हूं उसका नाम है डायलॉग बाय अमित सैनी रोहतकिया, और इसके जो कंपोजर हैं और लिरिक्स राइटर हैं वो हैं जीपीजी। जीपीजी का फुल फॉर्म तो मुझे नहीं पता पर वो है जीपीजी, और जो इस गाने में म्यूजिक दिए हैं वो है जीआर म्यूजिक। तो पता नहीं इनका कम्बिनेशन कैसा है। वैसे इसमें अमित सैनी रोहतकिया भाई का नाम आ गया तो ये गाना तो फर्स्ट क्लास होना ही चाहिए। तो ये सब पता चलेगा मैं कब ये गाना कैसा है, कैसा इसका वाइब है, कैसा इसका जून है, कब इस गाने को सुनने के बाद। और ये गाना सुने कब, अभी जस्ट सुनेंगे यार, अभी जस्ट। तो चलिए करते हैं इस गाने का रिएक्शन जिसका नाम है डायलॉग बाय अमित सैनी रोहतकिया। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी अगर तो चैनल को सब्सक्राइब, और पुराने हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो करें काउंट डाउन, तो चलिए करते हैं काउंट डाउन। तो 1 2 3 गो। Let's go baby, let's go baby, let's go. Okay. रागने बड़े बड़े मार दिए डायलॉग, बोली तू ए दिखे शरम ने चांद तारा में, तेरा भाई वीर फीलिंग का सुती ले गया थारे सोचा मैं, बस कल्ला फन्ने खास सारा मैं वाइव। अरे 24 साल में जो कदे सीखा नहीं था, अरे 24 साल में जो कदे सीखा नहीं था, वह 2-4 दिन में तसल्ली तेरे सिखा गी रहे। राख गीते और थी निशान गीते और मैडम के साल दे यारे गीते और बने थे मकन कप्पा भी प्यार गए, अरे साफी गीते और गए पाने गीते और चेली पूरा गेम पलटा गी रहे। लाटू लाटू क्या क्या मना बोरा बोरा खा गी रहे, घर क्या का शाना छोरा पागल बना गी रहे। लाटू लाटू क्या क्या मना बोरा बोरा खा गी रहे, घर क्या का शाना छोरा बोलिया तेरे बिना यार मर जाऊंगा, बोली तोड़ कर जिपी मन कोई आतना, दारू वाली बोतल हमें दिखे जिंदगी सांझ होने की ओ सोरा देखे बाटना। मैं बोले यार तेरे बिना मर जाऊंगा, बोली तोड़ कर जिपी मन कोई आतना, दारू वाली बोतल हमें दिखे जिंदगी और सांझ होने की ओ सोरा देखे बाटना। यही है जीतू जी। तो भाई गाना तो काफी अच्छा था। वैसे इस गाने का जो नाम है वो अब बदल गया है। इस गाने का नाम था पहले डायलॉग, पर इसका नाम चेंज करके हो गया लाडू लाडू पार्ट 1, और इसका पार्ट 2 भी आ गया जिसका मैं रिएक्शन किया हूँ। अगर आप नहीं देख रहे हो तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। तो वैसे इस लड़की में जो अमित सैनी से वो लड़की प्यार करती थी, बताती थी जैसा अमित सैनी को कि मुझे तुमसे प्यार है, पर वो जो साथ में उसका लड़का रहता था अमित सैनी को उस पर पहले से ही शक था, पर वो कहती थी कि नहीं दोस्त है, ये है वो है। फिर ये लोग, फिर अमित सैनी कंट्रोल नहीं हुआ तो एक दिन वो दारू पी लिए और गए ये लोग जब वहाँ पे साथ में बैठे थे। तो लड़की को बता रहे थे तुम मुझे, अमित सैनी बोल रहे थे कि तुम मुझे धोखा दिया, ये किया वो किया। तो लड़का कह रहा था पागल वागल हो गया। आप अगर इस वीडियो में जाओगे तो उस लड़की का लिप सिंक जब सुनोगे तो यही कह रहा था वो, ये लगता है पागल हो गया है। तो अमित सैनी के पास था प्रूफ, वो निकाल के दिखा दिए वीडियो। फिर लड़की का गया दिमाग खराब कि इसे कैसे पता चला, इसने कैसे वीडियो बना लिया, इसे कहां से मिला।
तो भाई अमित सैनी है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी अच्छा गाना था, काफी ज्यादा मजा आया गाना सुन के। तो आपको ये गाना कैसा लगा आप कमेंट में करके बताओ। अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ये गाना पसंद नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गाना क्यों पसंद नहीं आया, तो मुझे आपका कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो अब गाने को करते हैं साइड, अगर आपको किसी और भी गाने का रिएक्शन, रिव्यू या फिर ब्रेकडाउन चाहिए तब कमेंट में गाने का नाम और साथ में आर्टिस्ट का नाम ड्रॉप करना मत भूलना। अगर भूल भी जाते हो कोई दिक्कत नहीं, कोई वादा नहीं, आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आकर बता दो कि आपको किस गाने पर रिएक्शन चाहिए, किस गाने पर रिव्यू चाहिए, किस गाने पर ब्रेकडाउन चाहिए, मैं करने को तैयार हूँ, ठीक है। अगर आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाने में दिक्कत हो रहा है तो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां पर क्लिक करो, डायरेक्ट मेरे पेजेस पे आ जाओ, ठीक है। पर आप भूल जाते हो, तो आप पूछो क्या भूल जाता हूँ मैं, गाने का नाम डालते हो तो आर्टिस्ट का नाम भूल जाते हो, आर्टिस्ट का नाम डालते हो तो गाने का नाम भूल जाते हो। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों साथ में लिखो ताकि मुझे गाना ढूंढने में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हर बार मुझे कंफ्यूजन हो जाता था। आप पूछो कैसा कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन मुझे ये हो जाता है कि आप जब आर्टिस्ट का नाम लिखते हो तो उतने बहुत सारा गाना गाया है तो मैं उसका किस गाने पर रिएक्शन करूँ, इस बात का कंफ्यूजन होता है। अगर आप सिर्फ गाने का नाम ड्रॉप करते हो तो जो अच्छा गाना है वो तो मिल जाता है, जो फेमस गाना है वो मिल जाता है, पर कोई कोई गाना ऐसा भी है कि सेम नाम का बहुत सारा गाना है तो उसे ढूंढने में काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी होता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप दोनों मर्ज करके भेजो गाने का और आर्टिस्ट का नाम साथ में लिख के भेजो, ठीक है। तो भाई मुझे भाई आपके प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तो जितना ज्यादा हो सके मुझे प्यार दो, प्यार दो, प्यार दो, प्यार दो। तो आप मुझे प्यार दोगे कैसे, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मुझे इतना इससे ही बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, ठीक है। और थोड़ा सा प्यार मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बरसा देना। तो आपको तो पता ही है कि इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप किसी भी वीडियो पर जाओ, क्लिक करो और डायरेक्ट आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेजेस पे आ जाओगे, ठीक है। तो अब बताओ भाई कि मेरा वीडियो शुरू से अंत तक आपको कैसा लगा, मेरा कॉन्टेंट कैसा लगा। अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच, अगर पसंद ना आया, कहीं पर दिक्कत हुआ, परेशानी हुआ, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, बहुत ज्यादा दिल से माफी मांगता हूँ। तो आप एक काम भी कर देना, अगर आपको खराब लगा हो तो आप सजेस्ट कर दो कि मुझे क्या चेंजेस करना चाहिए वीडियो में और क्या क्या नई नई चीजें लाना चाहिए, तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। तो आप कमेंट करना, मुझ पे प्यार बरसाना मत भूलना। तो आशा करता हूँ कि आप सब काफी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।